हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग एलएनटी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। एलएनटी ने कुछ वैकेंसीज निकाली हुई हैं जिसके अंदर फ्रेशर्स 2022 के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी ब्रांचेज यहां पे एलिजिबल हैं, तो इसके अंदर हम लोग डिटेल रिव्यू करेंगे एलएनटी की वैकेंसीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये वैकेंसीज निकल के आ रही है एलएनटी की तरफ से, बेसिकली एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 जुलाई, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड अभी इनकी वेबसाइट पे जो है एप्लीकेशन का जो लिंक है वो एक्टिव है, आप जाके एलएनटी की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग की थ्रू डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहली चीज अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे केवल जो ग्रेजुएट हैं 2022 केवल वो ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में कौन कौन सी ब्रांचेज है आप चेक कर सकते हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मतलब काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, आप चेक कर सकते हो। लगभग सारी ब्रांचेज हैं जो इस पोस्ट इनके लिए अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे बम्पर वैकेंसीज एलएनटी ने निकाली हुई हैं, आप इन पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे जो है आपके पास एक तो चीज़ है, आप इंडियन, मतलब कि इंडिया के बोर्न हो, एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 01/07/1998 के बाद का है, ऑन और आफ्टर 1998, राइट। आपके पास जो है 4 ईयर की या फिर 8 सेमेस्टर की फुल डिग्री होनी चाहिए आफ्टर 10+2 एंड 10+ डिप्लोमा। अगर आप, मतलब आपके पास 10+2 नहीं है तो आप डिप्लोमा के साथ जा सकते हो, ठीक है जी। और जो आपकी डिग्री है आपके पास वो अगस्त में आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। बीटेक में जो है आपके एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 65% से अबव होनी चाहिए। साथ साथ में आपके पास नो बैकलॉग, आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, आपने सारे के सारे सब्जेक्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो 10th है या फिर 10+2 है या फिर डिप्लोमा है, ठीक है, उसके अंदर आपके जो मार्क्स है वो 70% से अबव होने चाहिए। एंड जो आपकी 10+2 है वो 2 ईयर में कंप्लीट होनी चाहिए आफ्टर 10th, या फिर डिप्लोमा जो है 3 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए आफ्टर 10th, राइट। एंड इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाके करियर ऑप्शन के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और मैं लिंक जो है एप्लीकेशन का मैं अपनी कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। नेक्स्ट जो है बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन जो है वो 2 मोड में होगा। फर्स्ट आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड के अंदर आपके एनालिटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो चेक की जाएगी। इसके साथ साथ जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है उसका एक और पार्ट रहेगा टेक्निकल टेस्ट। तो आपके पास दो तरह के टेस्ट होंगे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट, एक टेक्निकल टेस्ट। जैसे ही आप जो है इन दोनों टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हुआ उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, देन आपका मेडिकल कराया जाएगा। तो बेसिकली ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एलएनटी के अंदर ये बम्पर वैकेंसीज निकली हैं, अगर आप 2022 के पास आउट हैं तो आप इन पोस्ट के लिए जरूर से अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाला दूंगा, कमेंट सेक्शन में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप करियर ऑप्शन के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर की जो पोस्ट है वहां पे निकली हुई है 2022 करके, आप उस पोस्ट के अंदर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। सो होपफुली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके फ्यूचर के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू।